सो हेलो एवरीवन, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कई सारे स्ट्रिंग्स होती हैं और अगर हमें उस स्ट्रिंग्स को कस्टमाइज करना होता है तब हम वहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है जो कि कम्प्लीटली स्मॉल लेटर में है और अगर हमें उसको कैपिटल लेटर में करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा करेक्टर है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, यानी कि उस लेटर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप मान लो कि हमारे स्ट्रिंग में कोई एक वर्ड है जिसे कि हमें किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो वो आखिर हम कैसे करेंगे। तो गाइस, ये सारी जो चीजें हैं वो होती हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस की मदद से, और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक mystr नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं एंड इसके अंदर मैं यहां पर कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, हम यहां पर लिख देते हैं वेलकम टू कोड विद शनी, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दिया है जो कि है वेलकम टू कोड विद शनी, और अब हम यहाँ पर इसी वाले स्ट्रिंग को कस्टमाइज करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे स्ट्रिंग फंक्शन की लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो है काउंट। यानी दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो कि ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है इसमें ई लेटर कितनी बार आया है तो वो हम यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, तो ये हम यहाँ पे काउंट करते हैं अपने काउंट वाले फंक्शन से। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे माई एस टी आर, क्योंकि हमें यहाँ पर माई एस टी आर वाले वेरिएबल में से ही कैरेक्टर को काउंट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है माई एस टी आर। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लगाना है डॉट और अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे काउंट, राइट। और क्योंकि हमारा ये फंक्शन है तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज भी करेंगे और गाइस, इसके अंदर हम यहाँ पे वो कैरेक्टर दे देंगे जो भी हम यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर ई को काउंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया है ई, राइट। तो उसके बाद गाइस, सिंपली हमें इस प्रोग्राम को सेव करके इसको हमें यहाँ पे रन करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में यहाँ पर आया है 3। तो चलिए अभी यहाँ पे हम काउंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई हमारा एक बार यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है 2 और उसके बाद यहाँ पर है 3। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर काउंट वाले फंक्शन की मदद से बहुत ही इजीली हमने यहाँ पर इस स्ट्रिंग में से ई को काउंट कर लिया है कि आखिर जो हमारा ई है वो कितनी बार यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है कैपिटलाइज। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखना है प्रिंट एंड उसके बाद हम यहाँ पे फिर से माई एस टी आर लिखेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटलाइज एंड उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। सो गाइस, अब ये जो हमारा कैपिटलाइज फंक्शन है वो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो भी हमारा ये पूरा सेंटेंस है, जो भी हमारा ये पूरी स्ट्रिंग है, उसका जो हमारा पहला लेटर होगा उसको ये यहाँ पे कैपिटलाइज कर देगा, बाकी जो जितने भी कैपिटल लेटर है उसको ये यहाँ पर स्मॉल केस में कर देगा। तो चलिए मैं इसको सिंपली यहाँ पे सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू कोड विद शनी, जिसमें कि जो हमारा यहाँ पर ये वेलकम है उसका जो यहाँ पे डब्ल्यू है वो यहाँ पर कैपिटल में है, बाकी जितने भी यहाँ पे लेटर है उसको यहाँ पे इसने स्मॉल केस में कर दिया है। बाय द वे गाइस, हमारा यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसमें भी वेलकम में कैपिटल डब्ल्यू है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा से यहाँ पे इस डब्ल्यू को कैपिटलाइज कर दिया है, राइट। सो गाइस, इस तरीके से हमारा ये जो कैपिटलाइज फंक्शन है वो यहाँ पर ये काम करता है। एंड अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले फंक्शन की तरफ। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है फाइंड। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माई एस टी आर डॉट फाइंड एंड उसके बाद हम यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे एंड अब हम यहाँ पे वो कैरेक्टर देंगे जो अभी हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2, राइट। उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो गाइस, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर आया है यहाँ पर 8। तो बेसिकली ये हमारा ये इंडेक्स बता रहा है, ये जो हमारा 8th इंडेक्स है वहाँ से ये 2 स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे 2 है वो एग्जैक्टली 8th वाले इंडेक्स से चालू हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस, हम यहाँ पर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले फंक्शन की तरफ। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है रिप्लेस। यानी दोस्तों, अगर हमें अपने स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माई एस टी आर एंड उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट रिप्लेस और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड अब हम यहाँ पे सबसे पहले वो लेटर देंगे, वो कैरेक्टर देंगे जिसे कि हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ई को रिप्लेस करना चाहता हूँ एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक कोमा लगाना है और अब हमें वो लेटर देना है
जिससे हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ई को रिप्लेस करना चाहता हूँ ए से, तो मैं यहाँ पर इसको ए दे देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपली हम इस प्रोग्राम को सेव करके इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंस है वो यहाँ पर ई की जगह ए यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलकम में डब्ल्यू ई होता है, तो यहाँ पर आया है डब्ल्यू ए। एंड उसके बाद यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पर ई था, यहाँ पर इसने ए लेटर से उसको रिप्लेस कर दिया है। सो गाइस इस तरीके से आप किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है एंड्स विद। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद हम यहाँ पे माई एस टी आर लिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट, और अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखेंगे एंड्स विद। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और अब हम यहाँ पर वो वर्ड दे देंगे जिसको कि हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि इस वर्ड से जो हमारा ये पैराग्राफ है, जो हमारा पूरा स्ट्रिंग है, वो एंड्स होता है या नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ शनि। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में आया है यहाँ पर ट्रू, बिकॉज गाइस ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो यहाँ पे लास्ट में शनि से खत्म हो रहा है, राइट। उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है अपर। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माई एस टी आर डॉट अपर, एंड उसके बाद गाइस सिंपली हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। सो गाइस अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग होगी वो पूरी अपर केस में हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेलकम टू कोड विद शनि है वो पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ पर आ चुका है। एंड उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर है लोवर। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें लिखना है प्रिंट माई एस टी आर डॉट लोअर। तो अभी यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो भी हमारा ये पूरी स्ट्रिंग है उसको ये लोअर केस में कर देगा, राइट। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। इसने उसको यहाँ पर बिल्कुल लोअर केस में कर दिया है। अभी अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कोड विद शनि है इसका जो सी है वो यहाँ पर कैपिटल में है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट आया है उसमें यहाँ पर सी स्मॉल लेटर में है। सो गाइस ये थे हमारे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपको और भी फंक्शंस के बारे में जानना है तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे इस पहली वाली वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग के कई सारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है। तो यहाँ से देखकर आप इन सभी फंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको स्ट्रिंग फंक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोरोना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।